Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So class 1, we are going to start reading our textbook page number 13, unit number 2, places around me. And the chapter is chapter number 4. Our topic kya hai hamara aaj ka? Park. Aaj hum padhenge park ke baare mein, theek hai? A park is a place where people go to get fresh air, walk, jog or exercise to stay fit and healthy. पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बेसिकली विज़िट करते हैं ताकि वो साफ़ हवा ले सकें, वॉक कर सकें, जॉग और एक्सरसाइज कर सकें ताकि वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन रख सकें, ठीक है, फिट रह सकें और हेल्दी रह सकें, ठीक है. अ पार्क इज़ अ क्लीन एंड वेल मेंटेन प्लेस, ऑफर्स अ सेफ एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर पीपल टू विज़िट फॉर हाइकिंग, पिकनिक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और जस्ट रिलैक्सिंग. पार्क्स बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ जाके हम रिलैक्स कर सकें, हम साफ़ हवा में सांस ले सकें और उसके अलावा हम वहाँ पे जाके बच्चे जो हैं वो इसलिए जाते हैं ताकि वो प्ले कर सकें, खेल सकें. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन पार्क्स, बच्चे जो हैं वो पार्क्स इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें स्विंग्स मिले, उन्हें वो आराम से इंजॉय कर सकें, ठीक है. चिल्ड्रन इंजॉय राइडिंग स्विंग्स और वो झूले ले सकें, डिफरेंट आपको नज़र आते हैं वहाँ पर, स्विंग्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं और भी बहुत सारे वहाँ पे स्विंग्स होते हैं. इन एडिशन टू द मैनी इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैबिटेट, डिक्रीजिंग एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन एंड वाटर फिल्ट्रेशन. इसके अलावा पार्क्स जो हैं वो हैबिटेट होते हैं, किसका होते हैं, वो हैबिटेट्स एनिमल्स और प्लांट्स का होते हैं, ठीक है. पार्क्स आर प्लेसेज वेयर पीपल इंटरेक्ट सोशली, पार्क्स वो जगह होती है जहाँ पर लोग इंटरेक्ट करते हैं सोशली, यानी वो हम उसको जानते नहीं होते लेकिन हमारी उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है जब हम पार्क में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हम साथ करते हैं, खेलते हैं बच्चे और एक दूसरे के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है. पार्क सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. पार्क्स जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के अलावा हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और हम उससे एक्टिव रहते हैं. जैसे हमें पता है कि मॉर्निंग टाइम में जो है वो हवा बहुत फ्रेश होती है, आफ्टर फजर प्रेयर हम अगर पार्क्स में जाएं तो वहाँ पे हमें बहुत साफ़ हवा मिलेगी और उसमें एक्सरसाइज, उसमें जॉगिंग करने का और वॉक करने का वो बहुत एक इंजॉयबल होता है सबके लिए. वट काइंड ऑफ पार्क वुड यू लाइक टू हैव इन योर नेबरहुड, किस किस्म का पार्क चाहते हैं आप अपने एरिया में, ठीक है. वो डेफिनेटली सब साफ़ और अच्छा पार्क जाते हैं और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपने पार्क्स को नीट और क्लीन रखें. कुछ पार्क्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी. फॉर एग्जांपल हमारे जो पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं उनके मैं आज जिक्र करती हूँ. मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, चित्राल गोल नेशनल पार्क, अयूबिया नेशनल पार्क, हिंगोल नेशनल पार्क. अच्छा, डू यू नो कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस टाइम पर जो लार्जेस्ट पार्क है, नेशनल पार्क, वो कौन सा है? इट्स सेंट्रल कराकरम इन गिलगित बल्तिस्तान इज़ करेंटली द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, विच इज़ नेम्ड एज सेंट्रल कराकरम. उसका नाम क्या है? सेंट्रल कराकरम, और वो सबसे बड़ा पार्क है पाकिस्तान का. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, कीपिंग पार्क्स क्लीन. अब हमने पार्क्स के बारे में तो पढ़ा है, हमने उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है, बट अब हमने ये पढ़ना है कि हमें अपने पार्क्स को साफ कैसे रखना है. We must keep the parks clean if they are dirty. हमें अपने parks को clean रखना है, and if they are dirty, यानी अगर वो गंदे हैं तो we cannot sit, हम वहाँ बैठ नहीं सकते. Walk or play there, हम वहाँ पर ना walk कर सकते हैं ना ही खेल सकते हैं. जैसा कि आपको इस picture में नज़र आ रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो पूरे park को साफ कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हम read out करते हैं, don't pluck the flowers. यानी अक्सर कुछ बच्चों की ऐसी habits होती हैं कि वो लोग park जाके जो हैं वो pluck करते हैं flowers को, उनको तोड़ते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके अलावा जो चीज़ें हम वहाँ पे जो हमारे ईटेबल्स होते हैं हम खा के वहीं पे लिटर थ्रो कर देते हैं, तो उसको भी हमें चाहिए कि हम लिटर जो है वो डस्टबिन में थ्रो करें. हर पार्क में डस्टबिन होती है. ये जैसे कि आपको नज़र आ रहे थे कि यहाँ पर एक डस्टबिन है, उसके ऊपर लिखा हुआ यूज़ मी, यानी अगर आपने अपने ईटेबल्स खा लिए हैं तो आप वहीं पर थ्रो नहीं करेंगे बल्कि उसको आप डस्टबिन में थ्रो करेंगे. वहीं पर थ्रो करने से क्या होता है? पॉल्यूशन होती है. और इसके अलावा आपने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा होता है, ज़्यादा लिटर होता है, वहाँ पे इंसेक्ट्स भी आते हैं जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं. उसके अलावा हम कभी भी वहाँ बैठ के ना खा सकते हैं, ना हम वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, ना ही खेल सकते हैं. उसके अलावा ये है कि हम पार्क्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, और वहाँ पर जाके पिकनिक कर सकते हैं पार्क्स में जाके, क्योंकि वो एक एरिया, वाइड एरिया होता है जहाँ पर जाके हम अपना
इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो प्ले पॉइंट हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो हमें अपने पार्क्स को क्लीन रखना चाहिए। देयर आर ह्यूज पार्क्स नोन एज सफारी पार्क्स वे वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम अराउंड रोम अराउंड फ्री। यू कैन ड्राइव अप टू देम एंड टेक पिक्चर्स। आपको बता रहे कि सफारी पार्क जो है वो एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर जो है वहाँ पे आम खुले आम फिरते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ आ गया। थैंक यू।